यही कहना चाहूंगी कि जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये पता है ना आपको, कोई नहीं छीन सकता। समय का भाव बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हैं, कोई चूक मुझसे हो गई हो, कोई गलती मुझसे हो गई, अपनी बेटी अपनी पोती अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। और एक चीज आप बरकरार रखना, किसान एकता। दुनिया में कोई सरकार आ जाए लेकिन आपको नहीं हरा सकती अगर आप बरकरार इसको रखेंगे। पूनम पंडित को किसान यूनियन ने कहा, पूनम पंडित के लिए जोरदार तालियां स्वागत करते हुए एक बार रागिनी का माहौल बढ़ा लो जी। एक दोस्तों में जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। नारे लगाते रहे, अगर आप इनके नारे ना लगाएंगे तो हिंदुत्व खतरे में है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन हमारा जो ये भारत देश है ये गुलदस्ता है, आप इस बात को मत भूलना, ये गुलदस्ता है क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग वास करते हैं। और गुलदस्ता जब तक अधूरा रहता है, जब तक उसमें गुलाब का फूल या चमेली का फूल ना हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और बहुत सी बातें आपको जब भी आवाज आए किसान आंदोलन में से किसी बॉर्डर जाने के लिए, तो आपको जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है बार बार, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये पता है ना आपको, कोई नहीं छीन सकता। समय का भाव बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हैं, कोई चूक मुझसे हो गई हो, कोई गलती मुझसे हो गई, अपनी बेटी अपनी पोती अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। और एक चीज आप बरकरार रखना, किसान एकता। दुनिया में कोई सरकार आ जाए लेकिन आपको नहीं हरा सकती अगर आप बरकरार इसको रखेंगे। नारे लगाते रहे, अगर आप इनके नारे ना लगाएंगे तो हिंदुत्व खतरे में है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन हमारा जो ये भारत देश है ये गुलदस्ता है, आप इस बात को मत भूलना, ये गुलदस्ता है क्योंकि इसमें हर धर्म के लोग वास करते हैं। और गुलदस्ता जब तक अधूरा रहता है, जब तक उसमें गुलाब का फूल या चमेली का फूल ना हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और बहुत सी बातें आपको जब भी आवाज आए किसान आंदोलन में से किसी बॉर्डर जाने के लिए, तो आपको जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है बार बार, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये पता है ना आपको, कोई नहीं छीन सकता। समय का भाव बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आए हैं, कोई चूक मुझसे हो गई हो, कोई गलती मुझसे हो गई, अपनी बेटी अपनी पोती अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। और एक चीज आप बरकरार रखना, किसान एकता। दुनिया में कोई सरकार आ जाए लेकिन आपको नहीं हरा सकती अगर आप बरकरार इसको रखेंगे।